नमस्कार, मैं रविश कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास। गुरुवार की रात कन्हैया के भाषण के बाद काफ़ी चर्चा है, कन्हैया के भाषण को लेकर काफ़ी आलोचना भी है। ज़्यादा आलोचना हो तो वही ज़्यादा बेहतर स्थिति है, लेकिन इस भाषण के बाद लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ी है कि जेएनयू का एक छात्र जब वो बोल रहा था तो अपनी शब्दावलियों को, जो जेएनयू की पारंपरिक शब्दावलियां हैं, जो उसके शब्द हैं, जिसको आप अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसको तोड़ के वो जेएनयू के बाहर के लोगों को संबोधित कर रहा था। वो किसानों से बात कर रहा था, मजदूरों से बात कर रहा था, या उन मध्यम वर्ग से भी बात कर रहा था कि जिनका सपना है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले और पढ़ने लिखने की जगह हो, व्यक्तित्व का विकास हो। और साथ ही ये जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की जो बहस हुई है, वो एक इसका दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू है। कन्हैया क्या है, कौन है, क्या चीज़ है जो किसी को कन्हैया बनाती है, और वो क्या चीज़ है कि किसी कन्हैया को कन्हैया से कुछ और बना देता है। तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कन्हैया खुद हैं, मौजूद हैं। ये दूसरा दिन है, वो काला जैकेट नहीं है, वो भाषण वाला, और अब लग रहा अच्छा बच्चा नहा धोवा के आया हुआ, शरीफ, वहाँ भी शरीफ ही लग रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से वो सारे लोग जो जेएनयू के साथ खड़ा हुए हैं, दरअसल वो जेएनयू के साथ नहीं खड़ा हुए हैं, वो सही को सही और गलत को गलत कहने के साथ खड़े हुए हैं। उसमें इस देश के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, जाति के हों, उनका एक समर्थन आया है इस आंदोलन में, इस संघर्ष में। चाहे वो वकील हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, या बाहर के प्रोफेसर हों, स्टूडेंट हों, हम हमारे कैंपस के जो कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, टीचर हैं, हम सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पर हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है अभी, चूँकि ये अभी तय होना है, अभी तो इस बहस की शुरुआत हुई है। लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ 9 फरवरी की शाम को, क्या उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं कि क्या नारे लगे थे, कौन लगाने वाले लोग थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर नहीं था। नारे लगे कि नहीं लगे, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया इस बात को कहते हुए कि आपकी सहमति थी परोक्ष रूप से। थी या नहीं थी, कैसे हो सकती है? क्योंकि एक कन्फ्यूजन है, पुलिस को लगता है कि हम प्रेसिडेंट हैं कैंपस के, तो हमारी अनुमति से ही सब कुछ होता है। मैं इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई परमिटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे परमिशन से कैंपस में चीज़ें नहीं होती हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरे दायरे में भी नहीं है। कई लोगों ने जेन्युइनली ये सवाल पूछा है कि कन्हैया प्रेसिडेंट है तो कन्हैया को रोकना चाहिए, अगर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो उसे यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए था, उसे प्रयास करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को लेकर के कि कोई कार्यक्रम होने वाला है, मैं इन्फॉर्म नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन होता भी तो ये मेरे दायरे में नहीं है कि मैं किसी प्रोग्राम को रोक सकूँ। और सिर्फ दायरे की बात नहीं है, ये मेरी समझदारी भी है कि कैंपस के अंदर हर आदमी का, जो यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर है, उसका अपना एक टास्क जो है वो डिसाइड है। सिक्योरिटी गार्ड का काम है सुरक्षा को देखना, यहाँ जो जंगल में नील गाय है उनका काम है चरना, जो कुत्ते हैं उनका काम है भौंकना, और मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा काम है, मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, स्टूडेंट के जो की जो समस्याएं हैं, चाहे वो हॉस्टल का सवाल हो, फेलोशिप का सवाल हो, किसी को कमरा नहीं मिल रहा हो, मैं उन चीज़ों को एड्रेस करता हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है। कार्यक्रम का परमिशन देना या रोकना ये प्रशासन का काम है। मुझे वो दायरा आप तय कर लें कि क्या सब जुडिस है, नहीं है, क्योंकि मैं तो सवाल पूछूंगा ही, लेकिन फिर भी लेकिन मैं वो चाहता भी नहीं कि आप उस दायरे को तोड़ के जो मामला अदालत में है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दो तरह के नारे की बात हो रही थी, कि एक भारत विरोधी नारे की बात हो रही थी और एक अफजल गुरु के समर्थन के नारे की बात हो रही थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस देश के संविधान में, इसकी न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भरोसा है, इसीलिए मामला सब जुडिस है और मैं कुछ बोलूँगा नहीं। देश के माननीय गृह मंत्री अगर बोलने से मना करते हैं तो वो मामला सब जुडिस होने की बात करते हैं अपने बचने के लिए।
लेकिन मैं अगर कहता हूं कि यह मामला सब जुडिस है और मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए करता हूं, बचने के लिए नहीं। इसमें फर्क ये है कि गृह मंत्री साहब ने फ्रेम किया है, फ्रेम किया गया है सरकार के द्वारा कुछ विद्यार्थियों को, और हम वो विद्यार्थी हैं जो न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा करके चाहते हैं कि वहाँ से एक परिणाम बाहर आए, इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के टिप्पणी में फर्क है। लेकिन जो आम लोग हैं वो विमर्श की इन बारीकियों में उनका वास्ता कम पड़ता है, क्योंकि अपनी जिंदगी के रोजगार और तमाम तरह की चीज़ों में वो फंसे हुए हैं। उनको एक सूचना मिली कि इस तरह के नारे लगाए गए हैं और वो आहत हुए। रवीश जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं आपको सुनता रहा हूँ। देखिए, आप एक रिपोर्टर हैं और आपके जो सवाल हैं और मेरा जो जवाब है वो एक विद्यार्थी का जो दर्द है, जो परेशानी है, उसको संघर्ष है, मैं उस लिहाज से दे रहा हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि आपको जनता को बताना है, लेकिन सवाल अगर इंट्रोगेशन की तरह होगा, सीधा सीधा सवाल कि आप जो है अफजल गुरु के पक्ष में जो नारे लगे उसका समर्थन करते हैं, तो मेरा सीधा सीधा जवाब होगा नहीं, मैं समर्थन नहीं करता हूँ। रही बात कि नारे लग गए, जब मैं समर्थन नहीं करता हूँ तो ऑब्वियसली जो अगर नारे लगे हैं, अगर लगे हैं, डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, सही में लगे हैं, तो मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से बार बार लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि नारा लगा है गलत है, जो लोग लगाए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये मसला नारों का नहीं है, इससे ज़्यादा गंभीर विमर्श है जो इस देश के लोगों को, इस देश के विद्यार्थियों को, इस देश के नौजवानों को, किसानों मजदूरों को करना चाहिए। ना नारों से देश का कुछ होता है, ना नारों से लोगों का पेट भरता है। नारे होते हैं किसी संघर्ष को, किसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और हमको लगता है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा सवाल आज गरीबी और भुखमरी है, किसानों की आत्महत्या है। इसीलिए अगर कोई नारा लग रहा है उनके पक्ष में, मैं उसी नारे के साथ खड़ा होऊंगा। अगर इसके अलावे कोई नारे लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश के लिए मौजूदा परिस्थिति में उन नारों के साथ खड़ा होने का कोई मतलब है। तो ये फिर हुआ कैसे कि सारा मामला नारे से निकल के जेएनयू के खिलाफ होता बनता चला गया? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट है जो 9 फरवरी से पहले तैयार की गई, इसीलिए मैंने कहा कि नारों की हिस्टोरिसिटी में थोड़ा जाते हैं। ये पहला प्रोग्राम नहीं है जिसको रोका गया जेएनयू में। इससे पहले मुजफ्फरनगर बाकी है, उसका स्क्रीनिंग होना था, उसको रोका गया। उसी मुजफ्फरनगर बाकी के स्क्रीनिंग को रोकने के चलते हैदराबाद में लड़ाई हुई और रोहित बेमुला की हत्या हुई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। वो कोशिश जेएनयू में भी किया गया, लेकिन जेएनयू में, चूंकि मैंने आपको कहा है कि जो राइट विंग है, जो आरएसएस है, जो संघ के लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो आइसोलेटेड फोर्स है, इसीलिए यहाँ उस कार्यक्रम को वो रोक नहीं पाए। लेकिन वो लगातार लगे हुए थे हर मामले में, वो मामले को हिंदी मुसलमान करना, ऊंच नीच करना, वो हर मामले में लगे हुए थे। ठीक है, मैं सब जुटिस दायरे में को समझता हूँ, लेकिन क्या जो अदालत के भीतर जो मारपीट हुई, क्या वो भी सब जुटिस है जिस पर क्या उस पर बातचीत हो सकती है हमारी आपकी? देखिए, मैं उस घटना का एक विक्टिम हूँ। मामला सब जुटिस है बिल्कुल, वो जाँच के दौर में है, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस इंसान को पीटा गया वो तो कहेगा ही कि पीटा गया, और उसका एक बहुत ही दर्दनाक याद जो है मेरे जहन में है, वो इस तौर पे है कि जिस तरीके का लिंचिंग किया जा रहा है, ट्रेन के कंपार्टमेंट में पूछा जाता है कि आप जेएनयू से हैं, फिर उनको जिस तरीके से डिमोरलाइज किया जाता है। जो आप कह रहे हैं कि पीटा गया, लिंचिंग हुई है ना, आप कह रहे हैं कि जो पीटा गया वो तो कहेगा ही कहेगा, राजनीतिक गतिविधियों में पिटना पिटा जाना होता रहता है, क्या ये कोई वैसी कोई सामान्य घटना थी क्या? देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं तमाम चीज़ों को राजनीति के नज़रिए से देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पटियाला हाउस कोर्ट में जो हुआ उसमें राजनीति तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड दिखा। वो ट्रेंड ये था कि हाथ में झंडा लेकर संविधान की बात करते हुए लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। अगर आप राजनीति करते हैं, चाहे वो राइट विंग की करें या लेफ्ट विंग की, और देश की बात करते हैं, तो फिर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक सिस्टम है, उसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। और हमको लगता है कि कुछ लोग सत्ता के नशे में मदमस्त होकर उसको तार तार करने पर तुले हुए हैं। सवाल यह है कि मान लीजिए अफजल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हम
सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो निर्णय हुआ उसका सम्मान करते हैं, और जो लोग उस निर्णय के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन अगर वो दायरे को लांघते हैं तो वो गलत है, वो गैरकानूनी है, ये एक बात है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो 15 तारीख की घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर जो है 17 तारीख को वो होता है, इसका मतलब जो लोग अपने आप को स्वघोषित तरीके से देशभक्त कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये हमारे न्यायालय का अपमान है। अब देखिए, मेरे घर में मेरा भाई CRPF में था और वो मारा गया। आपका भाई? हाँ, वो उनका नाम पप्पू था, वो मारे गए। और मज़ेदार बात यह है कि जो मुझे पूछा जाता तुम नक्सली लोग हो, वो नक्सली हिंसा में ही मारा गया। लेकिन इस बात को कैसे मिला दिया जाता है, नक्सली हिंसा अपने जगह पे गलत है, हम उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी भोले भाले आदिवासी को नक्सली बता करके उसको मार देना, हम इसका भी समर्थन नहीं करते। और ये लोग जो भोले भाले आदिवासी को भी मारते हैं, नक्सली बताकर मारते हैं, और आज जो है वो जो लोग आदिवासियों के पक्ष में खड़ा हो रहे हैं उनको नक्सली बता करके मार रहे हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है इस देश के अंदर। जो देश को लूटते हैं वो छाती पीट कर देशभक्त होने का दावा करते हैं। जिनका इतिहास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली है ये राजनीतिक आज़ादी है। मैं कहता हूँ बाबा साहब के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, अंग्रेजों के चेले चपाटों से जो इस देश को आज़ादी मिलेगी वो सामाजिक आज़ादी होगी, और वो सामाजिक आज़ादी यही भगवावाद से हम लोगों को लेना है। अब आते हैं आपके भाषण वाले हिस्से पे। आप पे काफ़ी टैग लगा कि आप देशद्रोही हैं, इंग्लिश में भी टैग लगा एंटी नेशनल, देशद्रोही को इंग्लिश में एंटी नेशनल बोलते हैं, ये दोनों टैग लगा। अभी जब आप इस इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको लगा कि हालांकि अभी आप जमानत पे हैं कि ये देशद्रोही एंटी नेशनल? देखिए, बस एक बात कहूँगा कि मैंने कहा कि अंग्रेज और अंग्रेज के चेले चपाटे, सेडिशन का कानून अंग्रेजों ने बनाया, उनके जो चेले चपाटे हैं बियॉन्ड द आइडियोलॉजी वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं भगत सिंह को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ, तो भगत सिंह जिस राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे उसका कानून था सेडिशन का, और भगत सिंह अपने देश के लिए लड़ रहे थे, और जो इस देश को लूटना चाहते थे, इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, उसकी नज़र में वो देश के गद्दार थे। मुझे लगता है कि हमारा जो देश है वह देश परिलक्षित होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में, और हम चाहते हैं इस देश की प्रस्तावना को अक्षरशः ज़मीन पर उतारा जाए। और जो लोग स्वघोषित देशभक्त बन रहे हैं और सेडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को, जो किसान अन्न उपजाता है, जिस किसान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, उसको देशद्रोही बता रहे हैं, मतलब ये है कि पूरे मुद्दे को डाइल्यूट कर रहे हैं। पर जिस स्टेट से लड़ने की बात आप कर रहे हैं, भगत सिंह का उदाहरण दिया, तो आपकी भी एक छोटी मोटी लड़ाई हुई, पुलिस आई, आपको ले गई, तो आपने जब उस स्टेट को नज़दीक से देखा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप राजनीति में क्यों नहीं आती हैं, आपकी इतनी समझ है, तो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है स्टेट के पावर से लड़ना। तो मैं कन्हैया से जानना चाहता हूँ कि जब आप नज़दीक गए तो क्या वो वाकई इतना भयावह है? देखिए, इसीलिए मैंने दो उदाहरण दिए थे कल अपने भाषण में कि स्टेट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट शुरू होता है आपके घर के पास जो थाना का चौकी है वहाँ खड़ा एक सिपाही जिसके हाथ में एक डंडा है वहाँ से, और वो जाता है देश के संसद तक। लेकिन इसमें एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये स्टेट के खिलाफ आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इस स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल, जो स्टेक होल्डर हैं इस स्टेट के वाजिब में, उनके खिलाफ जो पूरा टूल का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी लड़ाई सीधे सीधे उसके साथ हो जाएगी। फिर उसी संसद का, उस संसद में संसद को बुलडोज करने की बात नहीं होगी, फिर उसी संसद में जा करके जो स्टेट मिशनरी स्टेट टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वहां से निकाल करके वहां बैठने की लड़ाई होगी। पर जो लड़ाई अभी तक जो लोग जानते हैं उनका जो राजनीतिक लड़ाई का अनुभव है वो किसी पार्टी के जरिए लड़ते हैं, कोई लोकप्रिय पार्टी है जिसको किसके इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जीतते हैं, तो 69% के खेमे में कई तरह की पार्टियां दावेदार हैं। देखिए, उनको क्या मिलाया जा सकता है? इतना आसान? बिल्कुल मिलाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, 1947 में 15 अगस्त को इस देश को राजनीतिक आज़ादी मिली, और उस वक्त की जो कांग्रेस थी
और 1869 में जब कांग्रेस बनी, मतलब 88 में वो जो कांग्रेस थी उसमें एक फर्क था। तो जब देश की जनता बदलती है उसके हिसाब से पार्टियां भी बदल जाती हैं, उसके मतलब और मायने, उसका आइडियोलॉजिकल आर्टिकुलेशन भी बदल जाता है। जब इस देश की जनता इस बात को समझ जाएगी कि हमारी लड़ाई स्टेट के अंदर किस फोर्स के खिलाफ है, तो पार्टियों को भी बदलना पड़ेगा और ये दायरा टूटेगा कि जो अपने आप को लेफ्ट कहते हैं वो सिर्फ वो नहीं है जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप लेते हैं, वो भी हैं जो आपकी तरह पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। उनको एक मंच पे आना पड़ेगा इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने। मैं तो अपना काम नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं मंच के नीचे ही रहूंगा। किसी को भी अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम को करने की जरूरत है उनके खिलाफ जो उनके काम को लूट रहे हैं। और बदलाव ही है कि लेफ्ट को बदलने की जरूरत है इस वक्त, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके अपनी जबान से लेकर राजनीति करने के तौर तरीके तक उनमें भी वही आदतें आ गई हैं, संघर्ष की आदतें चली गई हैं। देखिए उनके कंटेंट पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उनका कंटेंट शानदार है, फॉर्म में जरूर जो है एक बदलाव की जरूरत है। मसलन कल इस बात को मैंने कहा कि लेफ्ट के लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं, लेकिन उनका पहुंच नहीं है लोगों तक, क्योंकि आज पहुंच न्यू मीडिया बन चुकी है और न्यू मीडिया पे आरएसएस का साइबर सेल एक्टिव है। तो इस फॉर्म को अगर हम बदलेंगे तो निश्चित आपको लगता है कि साइबर या न्यू मीडिया का जो स्पेस है उसमें लेफ्ट का स्पेस बढ़ना चाहिए। वो रिसोर्स का मामला है, अगर आरएसएस के पास है और उससे रिलेटेड लोग हैं वो काफी रिसोर्स का मामला है, एक वीडियो का आइटम बनता है रिसोर्स से ज्यादा। मैं आपको कहना चाहता हूँ साइंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है फिलॉसफी ऑफ साइंस, दूसरा होता है काइनेटिक ऑफ साइंस। और इस देश में जो अभी न्यू मीडिया है आप कहना चाहते हैं कि यह जो न्यू मीडिया है इसको कोई मोनोपोलाइज कर ही नहीं सकता है, इसका नेचर डेमोक्रेटिक है। तो जो भी लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं स्वाभाविक तौर पर उनका यह सबसे मजबूत हथियार हो सकता है। व्हाट्सएप, आप ये बताइए कि आज जो फेसबुक है उस पर जब हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे उस पर अगर कोई चीज चलेगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया। आपको लगता है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं या विचारधाराएं हैं वो घबराती हैं या उनकी मौजूदगी नहीं है इसलिए वॉकओवर मिल रहा है? निश्चित तौर पे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं इस पूरी लड़ाई को पार्टियों से ऊपर विचारधारा के तौर पे देखता हूँ और हमको लगता है कि इस देश को जो बचाने वाले लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है हमारी कंट्री का, जो हमारा संविधान है, जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसको जो बचाने वाले लोग हैं, जो हमारा फैब्रिक है सोसाइटी का, उसको जो बचाने वाले लोग हैं, जो लोग इस देश में गंगा जमुना जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो राम राम और जय श्री राम के फर्क को समझ पाते हैं, उन तमाम लोगों को, उनका कोई भी मेंबरशिप किसी भी पार्टी में हो, उनको एकजुट होना होगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और सबसे प्राइमरी तौर पे यह जो न्यू मीडिया है इसका इस्तेमाल करके जो आम जनता का पॉलिटिकल इमेजिनेशन है उसको कैप्चर करना होगा। ये बुनियादी सवाल है। मैं ये सब सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अदालती बाध्यताओं को समझता हूँ, लेकिन बहुत लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि क्या ये लड़का आगे जाकर नेता बन सकता है, क्या इसमें नेता बनने की क्वालिटी है? क्योंकि एक बात मुझे भी परेशान करती है जब मैं इस तरह के आंकड़े सुनता हूँ कि 35 साल का युवा इस देश में 65% हो गया है लेकिन राजनीतिक भागीदारी में वो 65% में नज़र नहीं आता है, शीर्ष नेतृत्व के सवाल पे वो 5% में भी नहीं आता है, तो वो गायब है। तो मैं समझता हूँ कि वो कहाँ है अगर वो राजनीति में है, क्या वो सिर्फ उंगलियाँ दबाने जाता है, बटन उसके लिए जाता है, या वो सिर्फ साइबर सेल का कार्य करता है, या उसके लिए लगता है कि वो फैन बनना सबसे आसान है? तो इसी संदर्भ में मैं इन सब सवालों के जरिए कन्हैया को थोड़ा टटोल रहा हूँ कि एक ऐसे देश में जहाँ बहुत कम लोग राजनीति में आते हैं जो खासकर नौजवानी में होते हैं, और ये रेशियो आपको बीजेपी में मिलेगा, कांग्रेस में भी मिलेगा, बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए पारिवारिक समृद्ध वाले लोग बहुत आ जाते हैं, हालांकि उन पार्टियों में भी गरीब नेता नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, बहुत दूर तक गए हैं, लेकिन फिर भी वो भागीदारी कम नज़र आती है। तो आप इन सवालों के जरिए देखिए कि एक लड़का जो टकरा रहा है स्टेट से, उतना आसान नहीं है, वो लड़ाई अभी शुरू हुई है, वो 6 महीने के अंतरिम जमानत पर है, कितनी लंबी होगी, तब तक ये टेलीविजन की स्क्रीन से गायब हो जाएगा, शायद अखबारों के फुटनोट में भी इसका जिक्र नहीं होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कन्हैया कि ये होता है, और ये मैंने चंद्रशेखर के समय देखा था कि चंदू भी उतने ही लाजवाब
नेता थे, और उनकी जब हत्या हुई सिवान में, तो हमने देखा था कि तब काफ़ी लोग इसी तरह से उबाल में थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन धीरे 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 देखा कि वो सब चला जाता है। अंत में लगता है कि छात्र राजनीति हार जाती है। तो कल मैं आपके भाषण को जब सुन रहा था तो मैं इस आशंका से भी डरा हुआ था कि ये किसी एक बड़ी हार के लिए से पहले की जीत सी लगने वाली कोई लगने वाला कोई लम्हा है, या शायद जो पहले नहीं हुआ वो हो सकता है, क्योंकि JNU के छात्र संघ की बहुत सारी लड़ाइयां हमने देखी हैं, लड़ते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वो बड़ा बदलाव की तरफ नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा नाम लिया है। मैंने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी उनका नाम लिया था, कॉमरेड चंदू का। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। बस एक बात आपको बताकर कि मैं भी ASF का मेंबर हूँ, AISF इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई को लेकर लड़ा है। देश का पहला छात्र संगठन है जो 1936 में बना, आज़ादी के आंदोलन के गर्व से पैदा हुआ। मेरा मानना है कि इस तरह के संगठन जो अपने आप को छात्र राजनीति के लिए समर्पित कहते हैं, उनको किसी पार्टी विशेष का कैडर मशीन या कैडर बनाने वाला कोई प्लेटफॉर्म की बजाय एक जेन्यून स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना चाहिए। चंदू छात्र थे, उन्होंने छात्र आंदोलन को शुरू किया और वो छात्र आंदोलन को मास के बीच ले गए। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, मैं बस इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, वो जरूरी नहीं है कि वो मास पॉलिटिक्स में सीधे तौर पे जाए। वो हो सकता है कि आपकी तरह पत्रकार बन जाए, लेकिन वो उसी मास पॉलिटिक्स को अपनी पत्रकारिता से करे। हो सकता है कि कोई इंजीनियर बन जाए तो वो कंपनी की मोनोपोली को ब्रेक करे एज ए इंजीनियर। अगर कोई डॉक्टर बन जाए, स्टूडेंट और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा है, तो वो जो दवाइयों के ऊपर आज पेटेंट की बड़ी लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ वो डॉक्टर खड़ा हो जाए। मतलब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पैदावार है वो मास मूवमेंट। स्ट्रेटजी के पार्ट पे आता हूँ, ये आदर्श रूप में बात सही हो सकती है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि चंदू का, चंद्रशेखर का जाना सिवान कि हम जमीन पे जाके राजनीति करेंगे और JNU के हॉस्टल के कमरों से निकलेंगे, कई बार लगता है कि एक आप सीधा जाकर उस एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि एक प्रतिभा खत्म हो जाती है। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि रोहित वेमुला के लिए, जब मैं नहीं जानता था, जब मैं चिट्ठियाँ पढ़ रहा था, तो मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है कि एक बेहद प्रतिभाशाली इंसान चला गया, जो राजनीतिक रूप से बहुत तरह के अंतर्विदो विरोधों से निकल के वो सोच पा रहा था। तो ऐसा लड़का बचा रह जाता तो वो कितनी बड़ी बात होती, वो ना मरता तो। लेकिन इसलिए मैं स्ट्रेटजी के सवाल पे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इसको लेकर सतर्क हैं क्या, कि कहीं आज तो नारा लग गया, कल जब हम लोग सब नहीं होंगे तब क्या होगा, कहीं अकेले 615 से बस में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, स्ट्रेटजी का जो सवाल आपने उठाया है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी विचारधारा को अगर आप स्ट्रेटजाइज नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं उसका, तो फिर उस वह विचारधारा ख़त्म हो जाती है। विचारधारा को हमको प्लान करके, स्ट्रेटजी बना करके उसको ज़मीन पे उतारना होगा। हम कहते हैं कि हमारे साथ 10 लोग चल करके हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे। जो बस में बैठे लोग हैं उनके साथ ही हम संवाद करेंगे और बस के लोग ही हमारे साथ कैसे करेंगे। आजकल आप खुद ही कह रहे हैं, मैं यही इसको प्लानिंग के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि पहली बात कि जो अलग अलग पार्टी के अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके हम लोगों को एक आइडियोलॉजिकल यूनाइटेड फ्रंट बनाना होगा। आइडियोलॉजिकल यूनाइटेड फ्रंट, ये पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा, इसको करने के लिए जो न्यू मीडिया है उसको एज ए टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा, जो हमारे राजनीति, मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है आपको? बिल्कुल है। जो राजनीति है, राजनीति है, उसमें पार्टी का गुनागणित पीछे रखना होगा, विचारधारा को ऊपर रखना होगा। और इसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी है मेरे पास, जो मैं JNU में भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो मास मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं। मैक्सिमम यूनिटी बनाने का प्रयास मत कीजिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मिनिमम यूनिटी बनाइए। रवीश जी अच्छा कोट पहने हैं, इसका क्रिटिसिज्म करने का जरूरत नहीं है। रवीश जी की पत्रकारिता में क्या कंटेंट है इसको बोलने की जरूरत है। उनके कोट को क्रिटिसिज्म का हिस्सा मत बनाइए, और उनके कंटेंट पे अगर आप उनके साथ यूनिटी बना सकते हैं तो आप मोदी के कोट को चैलेंज कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। अगर इस पे हम चलेंगे तो हम आइडियोलॉजी को आगे रख पाएंगे, अपने स्ट्रेटजी और प्लान को कर पाएंगे, और इस देश के अंदर जो राजनीतिक आज़ादी मिली है उसको सामाजिक आज़ादी में बदल पाएंगे।